भाजपा ने बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। आज उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। इससे पहले कल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों की शिनाख्त के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में बुलंदशहर के एसएसपी सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अनीस अंसारी को बुलंदशहर का नया एसएसपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाईवे पर पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार से दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ लोगों ने पहले लूटपाट की और फिर मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मेरठ रेंज की पुलिस उपमहानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इन गिरफ्तार आरोपियों ने गैंग में 6-7 लोगों को होने की निशानदेही की है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।